हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज हाउस, मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट टू पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर ज्योग्राफी वो हम लुसेंट के बुक से पढ़ेंगे। लुसेंट का जो सार है, जो लुसेंट में जो जहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या स्रोत हैं और वहाँ से हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के बारे में। भारतीय दर्शन ये जो ऑर्थोडॉक्स वाला है और एक है हेटरोडॉक्स वाला, क्योंकि भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऑर्थोडॉक्स मीन्स आस्तिक और हेटरोडॉक्स मीन्स नास्तिक। आस्तिक का तात्पर्य यहाँ पे भगवान को मानने या न मानने से नहीं है और नास्तिक का तात्पर्य वहाँ पे भगवान से न मानने का तात्पर्य नहीं है। आस्तिक का तात्पर्य यह है कि आस्तिक दर्शन वाले को वेदों पर विश्वास था और नास्तिक वालों को वेदों पर भी विश्वास नहीं था। तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है भारतीय दर्शन में वो सबसे इम्पॉर्टेंट है बौद्ध और जैन, बौद्धिज्म और जैनिज्म, जहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सब आज ऑर्थोडॉक्स से शुरू करते हैं। देखिए सांख्य ऑर्थोडॉक्स में जो है वो छः दर्शन आते हैं जिसे सिक्स इंडियन फिलॉसफी भी कहा जाता है या फिर हिंदी में षड् दर्शना भी कहते हैं। तो सांख्य है, योग है, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को हम वेदांता या फिर ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं। तो आगे देखेंगे, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है हेटरोडॉक्स वाले में नास्तिक। नास्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं? तीन दर्शन, एक चार्वाक, एक बौद्धिज्म और एक जैनिज्म। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज इस पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बौद्धिज्म तक पढ़ेंगे। बौद्धिज्म में भी आधा पढ़ेंगे और आधा फिर थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। देखिए सांख्य दर्शन से आपके एसएससी में हो या फिर रेलवे में हो या फिर यूपी, ये आपका यूपीएससी के प्री तक को कवर करेगा। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें। देखिए यह सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। जैसे सभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, सभी वेदों में सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसी तरह से सभी दर्शन में ये सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। और इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। तो ये ध्यान रखना है कि इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे, जहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर है सांख्य सूत्र की रचना किसने की थी? कपिल मुनि ने की थी। और सांख्य कारिका की रचना किसने की थी? ईश्वर कृष्ण के द्वारा की गई थी। सांख्य सूत्र की रचना कपिल मुनि ने की थी और सांख्य दर्शन पर जो है ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी थी। सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड जो है वो 25 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 24 तत्व जो है वो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं और एक तत्व पुरुष खुद शोल मतलब पुरुष के अंतर्गत आता है। और पुरुष और प्रकृति को क्या कहा गया है? दो ही चीज में, जैसे पुरुष और एक है प्रकृति, तो प्रकृति में 24 तत्व आते हैं और एक खुद तो पुरुष है ही। और पुरुष और प्रकृति को द्वैतवाद कहा गया है, इसी पुरुष और प्रकृति को ड्यूअलिज्म की थ्योरी भी कहते हैं। देखिए प्रकृति को कौन सा गुणात्मक माना गया है? तो त्रिगुणात्मक माना गया है, मतलब कहा गया है कि प्रकृति में तीन गुण हैं। पहला है सत्व, दूसरा है तमस और तीसरा है रजस। सत्व में अच्छाई आती है, खुशी आता है, सुंदरता आता है। तमस में अंधकार, विनाश, मौत आता है और रजस में ऊर्जा, बल, पैशन, वायलेंस, ये सब आता है। तो ये आपको उतना, ये प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना गया, बस आपको इतना ध्यान रखना है, सत्व, तमस और रजस। फिर नेक्स्ट दर्शन है योग दर्शन। इस दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। पतंजलि ने ही महाभाष्य पुस्तक की रचना की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। और महाभाष्य पुस्तक से ही पतंजलि जो है वो किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। पुष्यमित्र शुंग ने ही जो अश्वमेध कराया था उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य पुस्तक से। और यह दर्शन 25 तत्वों के अलावा एक तत्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण और मानता है। यही एक दर्शन है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ईश्वर को भी मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण में, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर के कारण भी हुई है, कुछ हद तक ईश्वर भी इसके कारण है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण है। योग को दो भागों में विभाजित किया गया है, राजयोग और हठ योग। राजयोग पे मेनली फोकस था वो पतंजलि, राजयोग पे जो मेनली फोकस किया था वो पतंजलि ने किया था और हठ योग पे स्वामी विवेकानंद ने फोकस किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि राजयोग जो है वो किससे संबंधित है, तो पतंजलि से, और हठ योग किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से।
फिर इस दर्शन में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए ये 6 दर्शन और बाकी बचे हेटरोडॉक्स नास्तिक में 3 दर्शन जो है, सभी दर्शनों में यही बताया गया है कि हमें सत्य की ज्ञान की प्राप्ति, सही ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। सभी दर्शन में इसी के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें बताया गया है कि इस दर्शन में अष्टांग योग का पालन कीजिए और ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। तो अष्टांग योग ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप देखने के लिए देख सकते हैं इसमें कौन कौन से अष्टांग योग में। पहला है यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि और प्रत्याहार। मतलब ये नियम सबको पालन करके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है इस नियम को पालन करके। फिर नेक्स्ट है न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक अक्षपाद गौतम थे और न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है, गौतम के द्वारा लिखी गई है। आपने भी बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा कि न्याय सूत्र के रचनाकार कौन है, तो गौतम है। इसमें सत्य के ज्ञान के बारे में बताया गया है, सभी जो दर्शन है उसमें सही सत्य के ज्ञान के बारे में ही बताया गया है। और इस दर्शन का मानना है कि मनुष्य सही ज्ञान के अभाव के कारण ही दुखी है और दुखी रहता है। उनका मानना था कि 4 स्रोतों से सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और वो 4 स्रोत कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। देखिए यहाँ पे सत्य की ज्ञान की प्राप्ति का तात्पर्य है कि जो चीज़ हम अपने आँखों से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उस चीज़ को हम बस सत्य मानेंगे। और जिस चीज़ का हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाने का मतलब यहाँ पे इस सेंस में कहा गया अनुमान लगाने का मतलब, जैसे कोई चीज़ हम महसूस कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को हम दूर से देख के समझ सकते हैं कि हाँ, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ वो है। जैसे कहीं पे किसी पहाड़ पे आप दूर से देख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ बहुत सारा धुआं का बवंडर दिखाई दे रहा है, तो आपको लग जाएगा कि हाँ वहाँ पे वहाँ किसी जंगल में आग लगी हुई है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं, उस चीज़ को आप सत्य मानेंगे। फिर उपमान है और फिर शब्द है। फिर नेक्स्ट दर्शन है वैशेषिक दर्शन, इस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कनाद। इसके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, आग, पानी, हवा, धरती और आकाश। ये वैशेषिक दर्शन बेसिकली एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है, तो आपके एग्जाम में अगर आए तो आप अलग से लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि एटॉमिक थ्योरी परमाणु सिद्धांत पे कौन सा भारत का एक दर्शन है, तो वैशेषिक दर्शन है। देखिए ये 5 जो तत्व हैं, वो जो मैंने आपको सांख्य दर्शन में पढ़ाया था जिसमें 25 तत्व थे, 25 तत्वों से मिलकर ब्रह्मांड बना हुआ, सांख्य दर्शन ये मानता था, तो उस 25 तत्व में से ये 5 तत्व भी उसमें आते हैं। यह दर्शन केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं 2 प्रमाणों को मानता है, इन्हीं 2 प्रमाणों को ये दर्शन सत्य मानता है। जो प्रत्यक्ष है उसे सत्य, और जो जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं उसको, उपमान और शब्द को ये सही नहीं मानता है। फिर यह दर्शन लॉ ऑफ कर्मा में विश्वास रखता है। लॉ ऑफ कर्मा कहने का मतलब ये हुआ कि जो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप फल पाएंगे। बात भी सही है, जितनी आपकी तैयारी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। फिर नेक्स्ट दर्शन है पूर्व मीमांसा, पूर्व इसके प्रवर्तक जैमिनी थे। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये जो हम 6 दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि सभी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो सभी दर्शनों के बारे में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा था, देखिए जैसे मैंने कि यहाँ पे लिख रखा है, इसी तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा और यहाँ पे सामने में लिख लीजिएगा कि किस दर्शन के कौन प्रवर्तक थे, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। और यहाँ पे आपको डिटेल में मैंने बता भी दिया है, तो आपको फिर आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी, यूपीएससी के प्री तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। यह दर्शन वेदों को सत्य मानता है। देखिए ये दर्शन जो है वो वेदों को, सभी दर्शन 6 दर्शन में से सारे दर्शन वेदों को सत्य मानते हैं, लेकिन ये दर्शन जो है वेदों को शाश्वत सत्य मानता है। और ये दर्शन कहता है कि जो इस पूर्व मीमांसा दर्शन में जो भी चीज़ बताया गया है, तो इस दर्शन का मानना था कि जो चीज़ इस दर्शन में कहा गया है उस रीति रिवाज, उस रिचुअल्स को फॉलो करके हम जो है उस कर्मकांड को फॉलो करके हम ज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हमें हो सकती है। फिर नेक्स्ट है वेदांता, इसे उत्तर मीमांसा या ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक कृष्ण वेदव्यास थे और इस दर्शन से कुछ संबंधित कुछ दर्शन शास्त्र हैं, फिलोसोफर हैं, वो कौन कौन हैं, शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजन। फिर नेक्स्ट है हमारा हेटरोडॉक्स आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था, आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन हैं, चार्वाक, बौद्धिज्म और जैनिज्म। और आज हम बस ये चार्वाक से बस यही क्वेश्चन आता है कि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक खुद चार्वाक थे।
फिर है बौद्ध, बौद्ध धर्म के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म से जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और बौद्ध कुछ प्रमुख ग्रंथ थे उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिर जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बौद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म। देखिए यहाँ पे जितना सारा लाइन लिखा गया है सभी लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और यहीं से क्वेश्चन आए गए हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। तो कितना ईसा पूर्व में हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन जो कि शाक्य गण के मुखिया थे तथा माता का नाम महामाया देवी था। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। देखिए आपको जो चीज़ दिया हुआ है जैसे कि बौद्ध धर्म महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ तो ये आप लिख लीजिए, कहाँ पे हुआ ये भी आपको उसमें लिख लीजिएगा। फिर बौद्ध महात्मा बुद्ध का जो है वो वास्तविक नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम जैसे यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये शाक्य गण के मुखिया थे, तो ऐसे याद रखने में आपको आसानी होगी। फिर नेक्स्ट देखिए आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो फेसबुक पेज का भी लिंक दे दिया रहेगा। तो फेसबुक पेज को भी आप लोग लाइक कीजिए क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से हो, बहुत चीज़ों को वहाँ पर शेयर किया जाता है। तो फेसबुक पेज को भी, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। फिर इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई, इनकी माता महामाया देवी का। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ जो कि इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया, इन्हीं गौतमी के नाम से इनके नाम में गौतम जोड़ा गया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, तो इनकी पत्नी का भी नाम याद रखना है। देखिए आपके यूपीएससी की जो प्री में जो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा कि कोई 4 पॉइंट दे दिया रहेगा और उसमें से आपको ढूंढना रहेगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट सही है या फिर इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है। तो सारे चीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी यूपीएससी के प्री तक। फिर इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया जिसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। फिर नेक्स्ट है गौतम बुद्ध 6 वर्षों तक ज्ञान की खोज में भटकते रहे, इसी दौरान उनकी मुलाकात आलार कालाम से हुई। आलार कालाम कौन थे, उनके प्रथम गुरु, आलार कालाम उनके प्रथम गुरु हुए। उसके उपरांत गौतम बुद्ध को उरुबेला जो कि अब उरुबेला आप गया के नाम से जाना जाता है, गया कहाँ पे है, बिहार में है, और अगर आपको उरुबेला भी रहे तो आपको ध्यान रखना है कि उरुबेला ये प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, अब इस चीज इसको इस जगह को गया के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में उरुबेला भी हो सकता है और गया भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, 50-50 चांस है इसका। उरुबेला में निरंजना नदी, जो निरंजना नदी अब फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष तथा उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। तो ध्यान रखना है कि किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस नदी को अब क्या कहा जा रहा है, और किस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस जगह को क्या कहा जाता है, और वो जगह किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है। फिर और देखिए गया एक जिला है बिहार में, और जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह को बोध गया कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 लोगों को सारनाथ में दिया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन में पूछा सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कितने लोगों को दिया था, तो 5 लोगों को दिया था, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कहाँ पे दिया गया था, सारनाथ में, और इस पहले उपदेश गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। देखिए पहला उपदेश और पहली संगीतियों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पहला संगीति जो हुई थी वो राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। तो और ये पहला उपदेश जो दिया गया था, और उस समय गौतम बुद्ध थे भी नहीं, गौतम बुद्ध के मरने के बाद ही ये संगीतियाँ हुई, 4 संगीतियाँ हुई थी, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ये पहला उपदेश जो दिया गया था वो दिया गया था सारनाथ में, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी थी, इनकी सौतेली में या फिर मौसी कुछ भी कहिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए थे। देखिए आपको अगर आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध जो बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखी गई है,
लगभग लगभग सारी बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है। तो बुद्ध से जो संबंधित जो भाषा है वो, या फिर बौद्ध धर्म से कौन सी संबंधित भाषा है, तो पाली भाषा। और अगर जैन धर्म से संबंधित कौन सी भाषा पूछी जाए तो प्राकृत भाषा, या फिर उसे अर्धमागधी भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अच्छा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर पढ़ेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। इसी कोसल देश के राजा थे प्रसेनजीत, ये भी ध्यान रखने के लिए आप याद रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे दी थी, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व। देखिए यहाँ पे लूसेंट को ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट किया गया है और वो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो चीज़ लूसेंट का सार यहाँ पे आएगा आपको, जो चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस वही चीज़ हम पढ़ेंगे। एक तो लूसेंट बस बहुत बहुत पतली बुक है, उसमें से भी उसका हम बस 25% यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो समझ जाइए आपको कितना कम पढ़ना है। और आपको गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे कि आपका पूरा लूसेंट जब खत्म हो जाएगा, तो आपका जीएस सेक्शन से, जीके जीएस सेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप रेगुलर रहिएगा, और आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी जो थे वो थे प्रसेनजीत और उदयन। उदयन कौन था, किस वंश से संबंधित था, हर्यक वंश से संबंधित था। देखिए हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिम्बिसार ने की थी। बिम्बिसार का ही पुत्र जो था वो था आजात शत्रु, जिसे आजात शत्रु को इतिहासकारों ने क्या कहा, प्रीतहन्ता पिता की हत्या करने वाला कहा है। और आजात शत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिर है बुद्ध के महापरिनिर्वाण उपरांत उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर भारत में अलग अलग स्थानों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। और बुद्ध की सबसे बड़ी स्तूप कहाँ है, सांची स्तूप है। और सांची स्तूप कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची स्तूप। फिर गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई, कपिलवस्तु में की गई। तो ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आ सकता है। और गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, एशिया की रोशनी या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो यूपीएससी वाले एग्जाम में किस तरह से आपको आएगा वो मैंने आपको बता ही दिया है। चार पॉइंट दिया रहेगा, उसमें से आपको ढूंढना रहेगा कि कौन सा पॉइंट गलत है। और हमने बौद्ध धर्म, और हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, तो उस सारे के पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, सारा पॉइंट पढ़ेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, या फिर रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर है गौतम बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो उस समय का प्रतीक, उसका प्रतीक क्या है, कमल और षाढ़। फिर गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसका प्रतीक क्या था, घोड़ा। घोड़ा को उन्होंने नदी नदी के किनारे छोड़ा और वो आ गए। तो ये बुद्ध मतलब गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। फिर उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है, पीपल, जिस पीपल के वृक्ष को अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। देखिए इसी बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। अभी जो गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश का चौथा बोधि वृक्ष है, जिसे श्रीलंका से लाया गया। लेकिन आपके एग्जाम में इतना मतलब इतना डीपली नहीं आएगा, तो आपको इतना डीपली कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, शशांक ने, जो कि बंगाल का राजा था। फिर प्रथम उपदेश जो दिया था, प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था, सारनाथ में, और उसका जो प्रतीक था वो था चक्र। फिर मृत्यु, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसका प्रतीक है स्तूप। फिर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से हैं त्रिरत्न, बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, और ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध धम्म और संघ। फिर नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 आर्य सत्यों का उपदेश जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दुख का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि संसार में सभी सभी लोग जो हैं वो दुखों से भरे पड़े हैं, मतलब सभी के पास दुख है, किसी को ज़्यादा दुख है, किसी के जीवन में कम दुख है। फिर दुख समुदाय, दुख समुदाय का तात्पर्य हुआ कि हर एक किसी भी व्यक्ति को अगर दुख है तो उस दुख का कारण है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि दुख समुदाय का तात्पर्य क्या है। बौद्ध धर्म में जो दुख समुदाय के बारे में बताया गया 4 आर्य सत्यों में से, दुख समुदाय का क्या तात्पर्य है, तो आपके ऑप्शन में जो रहेगा, तो इस मतलब हर एक दुख का कोई ना कोई कारण है।
फिर है दुख निरोध। दुख निरोध का तात्पर्य है कि दुख अगर है तो दुख का जो है दुख दुख को दुख के समस्याओं को हल भी किया जा सकता है। और एक है दुख निरोध मार्ग, दुख के समस्याओं को दुख का दुखों का विनाश करने के लिए यहाँ पे मार्गों के बारे में बताया गया है कि इस मार्ग को पालन करके हम दुखों का विनाश कर सकते हैं। और कौन सा मार्ग था वो? वो था अष्टांगिक मार्ग। देखिए, दुखों का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के नियमों का प्रतिपादन किया। एक है सम्यक दृष्टि, कि आपकी दृष्टि जो है वो एक तरफ होनी चाहिए, मतलब भटकनी नहीं चाहिए, उधर से उधर मन भटकना नहीं चाहिए। सम्यक वचन, हमेशा सही बोलना चाहिए। सम्यक संकल्प, एक संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेके चलना चाहिए। सम्यक कर्म, अच्छे कर्मों को करना चाहिए। सम्यक आजीव, कभी भी अपनी आजीविका जो चलानी चाहिए वो सत्य के बदौले चलानी चाहिए, बेईमानी करके अपनी आजीविका नहीं चलानी चाहिए। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है और तीनों पिटकों की भाषा पाली है। कौन कौन सी पिटक है? सुत्त पिटक, फिर अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है। और इस पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन सा? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। देखिए, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, ये सब जो 5 जो निकाय हैं, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मतलब इसके इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बस ये क्वेश्चन आएगा कि दीर्घ निकाय या फिर मध्यम निकाय कोई भी निकाय ले लेगा और ये किस पिटक से संबंधित है, तो ये सुत्त पिटक से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन किया गया है। इस पिटक के भी 7 भाग हैं, लेकिन हम 7 भाग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो है कथा वस्तु। और कथा वस्तु की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस ने की थी। मोगलीपुत्र तिस कौन थे? अशोक के गुरु थे। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए जो चाणक्य जो थे, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी या फिर और क्या कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त, और अभी ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, चलिए तो चाणक्य जो है वो, उन्होंने भी 3 शासकों का शासनकाल देखा था। 3 शासकों के प्रधानमंत्री थे, पहला चंद्रगुप्त, फिर दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। तो और लेकिन ये जो है मोगलीपुत्र तीस इनके गुरु थे, अशोक के गुरु। और तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में, मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में। तो ये भी आप ध्यान रखने के लिए याद रख सकते हैं। फिर है विनय पिटक। इसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा पिटक जो है बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के संग तथा उनके दैनिक जीवन से संबंधित है या फिर उनके बारे में बताता है। तो कौन सा पिटक है? विनय पिटक है। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली आपको हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।